हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ब्यूटी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ब्यूटी ब्लॉग 637। तो आज जो है मैं आप लोगों को सिर्फ 5 प्रोडक्ट से मेकअप लुक क्रिएट करके दिखा रही हूँ। आप लोग देखिएगा, ये मेरा फाइनल लुक है जो कि मैं अभी आप लोगों के सामने बैठी हूँ। तो फाइनल लुक में ही बैठी हूँ, आप लोग को इंट्रोडक्शन करा रही हूँ और बता रही हूँ वीडियोज़ के बारे में, मेकअप के बारे में कि कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या करना है। और यहाँ पर देखिए, मेरा फाइनल लुक हो चुका है। मैंने इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ, वो भी सिर्फ 5 प्रोडक्ट से, यानी कि ओनली 5 प्रोडक्ट से मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि किस प्रोडक्ट को कहाँ पे कैसे कब यूज करना है, ताकि आपका मेकअप भी इस तरह से हो और इतना प्यारा आप लोग देख सकते हैं। बहुत प्यारा गाइस, सच में बहुत प्यारा मेकअप लुक हुआ है। मुझे तो विश्वास बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैंने सिर्फ 5 प्रोडक्ट से इतना प्यारा सा मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ कि हाँ कैसे क्या अप्लाई करना है और किस तरह से करना है, ताकि आपका भी मेकअप इस तरह दिखे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करके टोनिंग मॉइस्चराइजिंग वगैरह आप करके अगर रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट मॉइस्चराइजर से यूज कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर के लिए मैंने यहाँ पे स्वाय का फ्रूट क्रीम, 10 रुपये वाला मैं फ्रूट क्रीम यहाँ पे यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर हो आप उसे अप्लाई कर लीजिए अपने फेस पे। तो मैंने अच्छे से अपने नेक ईयर वगैरह सब पे इसे अप्लाई कर लिया है। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेकमी का सीसी क्रीम, जो कि आप लोग को पता है कि बहुत ही अच्छा क्रीम होता है, बहुत अच्छा। अगर डेली बेस में आप लोग ये क्रीम अप्लाई करते हैं तो गाइस सच में बहुत अच्छा या अच्छा कवरेज भी देता है। किसी छोटे मोटे पार्टी फंक्शन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, फिंगर के हेल्प से मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही थी। गाइस इसमें कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर की जरूरत नहीं पड़ती है, फिंगर्स ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और ये जो मैं मॉइस्चराइजर जो फ्रूट क्रीम यूज करी थी जॉय का, ये बहुत ही अच्छा क्रीम होता है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का ये काम करता है। तो मैं यहाँ दोनों हैंड का यूज कर रही हूँ और दोनों हैंड से अच्छे से फटाफट से ब्लेंड कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना होता है तो मैं मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ, मुझे मेकअप करना होता है तो मैं करती हूँ, तो फटाफट ही करना होता है क्योंकि बाहर भी निकलना होता है। तो इस वजह से यहाँ देखिए फटाफट फिंगर से कर ली मैं इसे ब्लेंड। फिर मैं सेट कर रही हूँ इसको ब्लू हेवन के कम्पैक्ट पाउडर से। आपके पास लूज पाउडर, कम्पैक्ट या टेलकम जो भी हो उसे आप सेट कर सकते हैं अपने बेस को। मैं सिर्फ आपको ट्रिक बताती हूँ, यूज आपको प्रोडक्ट अपने हिसाब से करना है। आपके पास क्या है क्या नहीं है और किस ब्रांड का है, आप अपने ऊपर जो है इसको अप्लाई करिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। आपके पास जो भी है उसको अप्लाई कीजिए। फिर देखिए, आईब्रो फिल करने के लिए मैंने काजल ही लिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 प्रोडक्ट से मेकअप लुक क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए, काजल से मैं आईब्रो को भी फिल करूँगी और आईलाइनर काजल जो भी लगाना होगा इसी से मैं लगाऊंगी। तो क्रीम हो गया मेरा, पाउडर हो गया यहाँ पे देखिए, और फिर काजल से मैं इसको फिल करके और एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। क्योंकि काजल से क्या है कि बहुत अच्छे से फिलिंग होता नहीं है, आप लाइन ड्रॉ कीजिए उसमें थोड़ा सा फिल करके और ब्रश से अच्छे से स्मच कर दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा शेप आ गया मेरे आईब्रो का। फिर मैं दूसरे साइड भी आईब्रो को इस तरह से फिल कर लेती हूँ। और गाइस, काजल से फिल करने में क्या है कि आपको बहुत हल्के हाथों से इसको फिल करना होता है, नहीं तो ज़्यादा करिएगा तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। इस तरह से कुछ हल्के हाथों से फिल करके ब्रश से अच्छे से स्मच कर ली। फिर मैं ब्लश के लिए यहाँ पर लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। आप लोगों को पता है कि हाँ मैं 5 ही प्रोडक्ट से दिखाऊंगी और फिंगर के हेल्प से इसको कुछ इस तरह से ब्लेंड कर। मुझे गाइस सच में ब्लश बहुत काफ़ी पसंद है, पिंकी पिंकी रेड रेड सा चिक दिखाता है। तो मैंने रेड लिपस्टिक यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई कर लिया, जो कि क्रीमी है, जो कि ADS का लिपस्टिक है, बजट फ्रेंडली है, ज़्यादा बजट में नहीं मिलता है, सबको पता है जो लोग खरीदते होंगे। फिर मैं इसी काजल से यहाँ पे लिप लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। इससे क्या कि आपके लिप्स अगर पतली है, छोटी सी दिखती है, तो इस तरह से अगर आप काजल से अपने लिप्स को ड्रॉ करिए और फिर उसे स्मच करके लिपस्टिक फिल कीजिए, गाइस सच में बहुत प्यारा सा लुक आता है इस तरह से। मुझे तो ये लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। काजल से लिप्स को अपने लाइन कीजिए और फिर लिपस्टिक इसमें फिल कीजिए, मुझे बहुत काफ़ी पसंद है, अच्छा भी लगता है, लिप्स इससे बहुत ही ज़्यादा प्यारा। फिर फिंगर की हेल्प से यहाँ पर मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। इस काजल को हल्के हाथों से करना है, नहीं तो आपका काजल जो है फैल जाएगा। अगर साइड में ऊपर नीचे कहीं भी फैल गया तो एक उसे ईयरबड जो क्यूटिप आता है उसके हेल्प से आप उसे क्लीन कर सकते हैं, या किसी भी ब्रश की हेल्प से भी उसे क्लीन कर सकते हैं आप। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ बड़े बड़े से मुँह खोलते हुए इसको ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि बिना मुँह खोले ब्लेंड नहीं होगा। तो ब्लेंड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, इसी रेड लिपस्टिक को मैं अंदर साइड में करूँगी फिल, जहाँ पर जगह खाली है, और इसको स्मच करी थी। तो गई सच में बहुत ही अच्छा शेडेड लिपस्टिक बन चुका था, बहुत मुझे प्यारा लगा आज का मेकअप लुक। आप लोग देखिएगा फाइनल लुक में। तो यहाँ देखिए, अच्छे से अप्लाई करके और मैं इसको स्मच कर ली अपने लिप्स से ही।
मैं यहाँ पे ब्रश नहीं अप्लाई यूज कर रही हूँ, और थोड़ा सा इधर उधर लग गया था तो मैं उसको देखिए कैसे हैंड से ही क्लीन कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए आप लोग आगे क्या करना है कि मैं यहाँ पे ली थी ये काजल, और इससे मैं काजल ड्रॉ करूँगी, क्योंकि काजल अभी मुझे आईलाइनर नहीं लगाना था, मैं नहीं तो मैं इसी काजल से आईलाइनर भी लगा लेती, बट मैं सिर्फ मोटा सा एक काजल यहाँ पे अप्लाई करूँ, क्योंकि मेरी आईज हुडेड है, छोटी सी छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, हुडेड आईज जो अंदर की तरफ होती हैं, तो मैं ज़्यादा नीचे काजल लगाना पसंद करती हूँ, वो भी थोड़ा मोटा सा। तब मोटा सा यहाँ पे काजल जो है अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ, और एक छोटी सा ब्रश के हेल्प से इसको स्मच कर लूँगी ताकि ये काजल फैले नहीं, क्योंकि मैं कोई भी आईलाइनर यहाँ पे अप्लाई तो कर नहीं रही हूँ, नहीं तो लिक्विड लाइनर से इसको मैं कर लेती सेट। तो मैं इस ब्रश से अच्छे से स्मच कर लेती हूँ ताकि मेरा काजल जहाँ पे भी है वैसे टिके रहे, अच्छे रहे। सो गाइस, तो ये है मेरा फाइनल लुक, और सिर्फ ओनली 5 प्रोडक्ट से मैं करी हूँ, आप लोग के सामने करी हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं और कुछ यहाँ पे यूज करी हूँ और आप लोग को दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मुझे थोड़ा ब्लशर ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई करी हूँ, और शायद मेरे कैमरा की वजह से आप लोग को कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहा होगा, बट ये मेकअप लुक बहुत ही अच्छा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कोई हेयर स्टाइल नहीं किया हुआ है, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, और सिर्फ 5 प्रोडक्ट से आप लोग भी इस तरह से मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को आज मेरा 5 प्रोडक्ट से सिर्फ 5 प्रोडक्ट से मेकअप लुक, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और इस तरह से अच्छा अच्छा मेकअप लुक देखना पसंद हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।